Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. फील्ड पे गए बालाज. तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी. मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है. इंडियन आर्मी को टाइगर की पुकार, क्या इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट है फिल्म? क्या फिल्म में होगी फीमेल एक्शन लीड? क्या रानी मुखर्जी होंगी पार्ट? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में. टाइगर श्रॉफ पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी वजह से काफी सारी है. टाइगर श्रॉफ का अगला 2 साल का स्केड्यूल काफी पैक्ड है. जी हाँ, यानी कि उनकी आने वाली फिल्मों के साथ ही साथ उन्होंने आगे आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स भी साइन कर दिए हैं, जिनमें से उनकी काफी लोकप्रिय फिल्म बागी 4 भी कतार में है. यानी कि फिल्म के 3 पार्ट्स के बाद मेकर्स इसके 4th पार्ट की तैयारी भी कर रहे हैं. इसके साथ ही साथ टाइगर अपनी काफी समय से एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट रैम्बो पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म काफी टाइम से चल रही है और अब फाइनली इस फिल्म पे काम स्टार्ट होने ही वाला है. आपको बता दें, फिल्म रैम्बो का फर्स्ट लुक काफी पहले ही रिलीज कर दिया गया है. फिल्म रैम्बो को लेके काफी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि ये बात कंफर्म है कि फिल्म हॉलीवुड फिल्म रैम्बो का बॉलीवुड रिमेक होने वाली है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं और फिल्म के थीम में भी चेंजेस किए जा सकते हैं. और अब पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि फिल्म रैम्बो के थ्रू दिया जा सकता है इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट. जैसे कि हम आपको बताते हैं कि फिल्म एक वॉर से लौटे सोल्जर की कहानी होने वाली है और इस सोल्जर का किरदार निभाएंगे टाइगर. तो इस वे में कहानी को ऐसे मोड़ दिया जाएगा जैसे कि ये लोगों में देश प्रेम की भावनाओं को उत्तेजित कर सके. इसके पहले भी हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्शन हीरो अक्षय कुमार अपनी इंडियन आर्मी को अपनी फिल्मों के थ्रू काफी ट्रिब्यूट दे चुके हैं. उनकी फिल्म्स जैसे कि हॉलीडे के द्वारा उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया था. उन्होंने फिल्म हॉलीडे में एक इंडियन सोल्जर का ही किरदार निभाया था. फिल्म रैम्बो को एक अलग एंगल देने की भी तैयारी में भी है मेकर्स. जी हाँ, यानी कि रैम्बो में हमें एक एक्शन फीमेल लीड भी दिख सकती है. यानी कि फिल्म में विमेन सोल्जर का किरदार भी हमें दिख सकता है. अब बॉलीवुड में भी नारी शक्ति को इनकरेज करने का कैंपेन सबसे आगे है, जिसमें कि कोई डायरेक्टर पीछे नहीं हट रहा है और अब टाइगर भी इस कैंपेन का भाग बनने को एकदम तैयार है. तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड को मिलने वाली एक है सोल्जर जोड़ी जो कि फैंस में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए आ रही है. जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म में एक फीमेल सोल्जर का भी किरदार हो सकता है और इस रोल के लिए रानी मुखर्जी से बेहतर एक्ट्रेस कोई हो ही नहीं सकती. फिल्म मर्दानी और मर्दानी 2 में रानी ने अपने उम्दा एक्टिंग स्किल से दर्शकों का दिल जीत लिया था और जिसके बाद वो बॉलीवुड में नारी शक्ति का मसीहा बन गई है. तो क्या हमें दिख सकते हैं रानी और टाइगर एक साथ?